इसमें जस्ट बिकॉज कलर्स इट्स नहीं नाइस क्या? डजंट मीन वी हैव टू यूज इट ना. अरे बट रीसेंट का जावे तो अच्छा है ना यार। नहीं दोनों नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है माँ, कुछ भी मत बनाओ, सर्कस नहीं है ये. Guys, welcome back to my channel. Welcome back to Outfit from Scratch number 5. This one is going to be a little different. We've done celebrity inspired outfits so far on this channel, especially when it comes to Indian outfits. Sabse pehle humne Katrina Kaif wala Manish Malhotra white anarkali kiya tha, which has been literally a fan favorite and hit on this channel. The second outfit we did was a desi girl sari, but like a modest version of the desi girl sari. Then the third time we did Sabyasachi's lehenga, which Alia Bhatt wore, the green beautiful lehenga. And the fourth time we made cocktail gowns which were Pinterest inspired, but they were not for me, they were for Krishma, my friend. So ab usi ki shaadi hai aur uske liye main outfit bana rahi hu. I have like a little more time for the shaadi than I do for the haldi, because ye Sunday haldi hai, aaj 11th hai, and I have not even started the material sourcing. So I think haldi ke liye na I had this outfit in mind, which looks beautiful and stunning. This is Kiara Advani's outfit, and it's like a crop top and palazzo pants with a जैकेट, एंड आई हैव नॉट डन सच अ आउटफिट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट एक बार मटेरियल सोर्स करने जाना हो तो फैब्रिक की दुकान में इतने आइडियाज आते हैं, इसलिए हम उन्होंने गो थोड़ा ओपन माइंड से इस बार देखते हैं कि फैब्रिक की दुकान में जाके कितने अलग अलग इंस्पिरेशन आ सकते हैं. नाउ द फैब्रिक स्टोर आई गो टू ओवर हियर इज लिटिल एक्सपेंसिव, एंड मुंबई में वैसे भी फैब्रिक्स महंगे होते हैं, प्लस जो दुकान में जाती हूँ इस सॉर्ट ऑफ लाइक अ शोरूम टाइप, तो वो और भी महंगा हो जाता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना लास्ट मिनट काम करती हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत घाई में यही शॉप कन्वीनियंट पड़ती है. बट यू कैन डेफिनेटली सोर्स योर आउटफिट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. देयर इज मंगलदास मार्केट इन दादर टाउन साइड, नो मंगलदास इज क्रॉफर्ड मार्केट साइड, उधर बहुत सस्ते मिलते हैं फैब्रिक्स. अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स है मुंबई में, नो डाउट. बट मैं यहाँ से खरीदती हूँ तो तुम हर बार मुझे कंप्लेन करते हो कि इतना महंगा इतना महंगा. टाइम इज मनी, यू गाइस टाइम ही नहीं है मेरे पास लाइफ में टू गो टिल मंगलदास मार्केट, इज टू फार फॉर मी टू गो, स्पेशली शाम के टाइम पे. एनी वेज आई एम लीविंग नाउ, एंड आई हैव नॉट डन माई स्किन केयर एट ऑल, ओनली आई एम वेयरिंग लिपस्टिक, एंड मेरे फेस पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बट बहुत सारे एक्ने मार्क्स है और न्यू फ्रेश ब्रेकआउट्स भी है जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ, एंड इट्स बीन अ थ्रास्ट टू डील विद देम. द ओनली थिंग दैट्स बीन हेल्पिंग मी टू गेट रिड ऑफ दिस हीट दैट माई बॉडी इज एक्सूडिंग, आई थिंक द मेन रीजन इज बिकॉज वेदर भी ट्रांजिशन हो रहा है, और मैं अभी ना हेल्दी खाने लगी हूँ, तो वो सारी जो हीट है गर्मी है मेरी बॉडी की सब बाहर आ रही है. तो इससे डील करने के लिए आई हैव बीन यूजिंग माय डर्माकोस 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम. नाउ दिस इज अ होली ग्रेल फॉर मी व्हेन इट कम्स टू माय एक्ने. लास्ट ईयर के स्किन केयर फेवरेट्स में भी मैंने ये प्रोडक्ट मेंशन किया था, इतना मुझे अच्छा लगा है. एंड स्पेशली मैं इसको सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट के जैसे यूज करती हूँ, आई माइट नॉट ऑलवेज यूज इट ऑल ओवर माई फेस, ऑल्दो यू कैन, एंड इट वर्क्स रियली ब्रिलियंटली फॉर माई एक्ने टू जस्ट ड्राई देम आउट. लाइक दीज पेनफुल पिंपल्स टेक अ लिटिल मोर लॉन्गर टू ड्राई आउट, बट द एक्ने जिट सॉर्ट ऑफ जो होते हैं ना पस वाले, वो तो ओवरनाइट सूख जाते हैं इसके स्पॉट ट्रीटमेंट के साथ. वो मुझे इस बार हुए नहीं है, मुझे बहुत पेनफुल वाले पिंपल्स हुए इस बार, और इसके मार्क्स भी ज्यादा टाइम लेते हैं डील करने के लिए. बट फॉर दैट माई सेवियर हैज बीन द डर्माकोस 10% नाइसिनमाइड सीरम. नाउ इफ यू डोंट नो ना एक्टिव स्किन केयर के बारे में इतना, तो सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनमाइड सीरम तुम साथ में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. दीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल. द सैलिसिलिक एसिड हेल्प्स यू विद एक्ने, एंड द नाइसिनमाइड हेल्प्स यू विद द एक्ने मार्क्स. So it's a very powerful, potent couple duo that you should use if you have like acne and combination skin type the way I do. Niacinamide is an active form of vitamin B3. I just take 3-4 drops of this serum and अच्छे से I pat it into my skin. I anyways love Dermaco's active range. Their ingredients are super potent and they work very well on my skin type. The niacinamide serum not only helps with like new acne marks that I have, like these are pretty fresh, so they will fade much faster. Within like 2-3 weeks now this will start breaking down. But when it comes to the older marks also, slowly and steadily the niacinamide serum will help heal your sun spots, any sun damage, hyperpigmentation. Overall your skin's texture and complexion will even out. Now every skin type is different, and I always recommend whenever you try an active ingredient, active skincare product, to patch test kar liya karo. You can apply it behind your ear or a little bit on your elbow. If you have any allergies or redness to that particular ingredient, then it's possibly not suiting you or your skin type. But ye aise active ingredients ke baad hamesha sunscreen laga lena chahiye. A heavy SPF is good. Abhi shaam ho rahi hai, to I will use SPF 25. Din ke time pe to I always use SPF 50. Both the niacinamide serum and salicylic acid can definitely be used well together.
But if you want to use the salicylic all over your face, then you can like switch up. You can use one in the AM routine and one in the PM routine. The Dermaco is a skincare line that is formulated by dermatologists. I've always appreciated their active skincare. Works really well. They're super amazing. And if you want to shop Dermaco products, you can use code SARA2022. Code badal gaya hai. SARA2022 hai abhi. And you will get a 20% discount on the Dermaco's official website. Saath hi saath, it's also available on Nykaa, Amazon, Flipkart, all the good stuff. Sare hi links mein description box mein dal dungi. I would also like to thank the Dermaco for partnering with me for today's video. Aur abhi chalte hai, we'll go fabric sourcing. My mother hates climbing the stairs over here. Bhaiya, lift laga do aap. Are lift hai already. Kahan hai? Ye raha baaju mein. मम्मी अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा उतरने के टाइम पे। वी हैव टू टेक अ डाइड फैब्रिक अभी येलो फॉर द जैकेट। दिस इज नाइस जैकेट, घाघरा, गाउन कुछ भी बना। पन्ना बहुत छोटा है, 44 पन्ना है, सॉरी 50 तक आएगा। जैकेट के लिए मेरे लिए कितना लगेगा? लंबा जैकेट फुल स्लीव फ्लोर लेंथ। हां फ्लोर लेंथ नहीं, फ्लोर लेंथ नहीं, नीज के नीचे तक। नीज के नीचे ना 3.5 मीटर। और बताओ ना येलो वेरिएंट जितने पीले है ना सब बता दो। और इसके ऊपर क्रॉप टॉप के लिए बना दूंगा। एसी बंद है क्या? गर्मी हो गई। दिस इज लाइक द वन आई हैड इन माय वाइट। या दिस इज ऑलरेडी हार्ड ना, तो चक दिस। ये मत बनाओ, ये सीक्वेंस में इसने बनाई है ऑलरेडी। अभी गया बाहर में। कुछ नया इसमें बताओ ना यार, इतना हाँ फ्लोरल में। फ्लोरल में आजकल बहुत चल रहा है ये, इसके लिए बता दो क्रॉप टॉप, और उसका नीचे तो फिर फ्लोरल भी चलेगा। वो तो बहुत कॉमन है, देखा है वो, बहुत पहले से ये चल रहा है बहुत। इसमें है क्या येलो में? येलो में टाइम कर दूंगा। नहीं अभी टाइम नहीं है, परसों चाहिए था। वो दिखा वो येलो फ्लोरल भी है। नहीं नहीं हाँ वो भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। 11 बजे मस्त है ये तो, नेट है ना। मैं इसका जैकेट मस्त लग रहा है, जैकेट अच्छा। सिर्फ जैकेट येलो बना के अंदर अपन कोई और कलर भी कर सकते हैं। ये देखो ये भी मस्त कॉम्प्लीमेंट है ना, ब्लाउज एंड प्लाजो। ब्लाउज एंड प्लाजो वो जैकेट ही है। प्लाजो ये प्लाजो के लिए लेगी? नहीं ये फॉल नहीं आएगा। आएगा मैडम, शिफॉन है, इस पे नहीं फॉल आएगा। स्टिफ है? नहीं नहीं स्टिप इसको बोलेंगे तो फिर आप स्टिप को क्या बोलेंगे? स्टिप नहीं है। नहीं नहीं गरारा कैसे बैठेगा? अगर आपको ये खाली ब्लाउज बनाना है तो ये गरारा नहीं बैठेगा बेटा। नहीं नहीं ये, और ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा हूँ कैमरा। दिस नहीं, दिस वन आई वाज सीइंग, दिस वन, दिस लेमन येलो। नो नो नो, दैट इज वेरी ओल्ड फैशन, व्हाट यू आर टॉकिंग रुपेश। सी हियर आल्सो सारा, दिस येलो, दिस येलो, that's old, see this, अरे यार you never let me select my shirt, see those two yellows, those are old school, so yeah, those are old school for everything sure. is old, mommy you're also old, इधर आओ ना भैया एक मिनट। हाँ ये प्लाजो, नहीं नहीं ये कलर ऐसे भी नहीं पसंद है। this I was going to take for lehenga, this color for the wedding, ये कलर से नहीं। again we have to come for lehenga, नहीं ये नहीं चाहिए। this I'll take for lehenga, चुप रे। Lehenga, take like this something silk, it will look nice. Yeah, see that for the silk blouse, the yeah. floral. Looks good? Yes. You can wear it without the jacket also. It's going, no? Yeah, of course. This is going. But I don't know how the yellow will look on this. Because the upper wala kaam ke saath hai na. थोड़ा सेल्फ वर्क होना चाहिए था ऊपर एक्चुअली। स्पेगेटी विद अ वेरी डीप नेक एंड क्रॉप टॉप। जैकेट तो खाली ऐसे ही आएगा ना आपका, ये तो नीचे पार जाएगा पूरा। येलो इज नॉट गोइंग और द पिंक इज नॉट, दैट अंदर वाला नहीं अच्छा लग रहा भैया, वो अंदर वाला चेंज करना पड़ेगा। येलो ठीक लग रहा है, ये दोनों इनफेक्ट अच्छा लग रहा है, येलो तो चाहिए ही हल्दी के लिए। येलो येलो लाओ सब पहले वाला, खाली वो पिंक हटा देना। और इसी का ब्लाउज नहीं, येलो का ही ब्लाउज अंदर, ये येलो येलो एंड पिंक पिंक बहुत ऑफ लगेगा। ब्लाउज में खाली नीचे का पोर्शन लेंगे दिस फुल थिंग। वो तो नहीं होएगा ना, वेस्ट होएगा कपड़ा, वेस्ट नहीं जाएगा, आ जाता है वो फ्रंट में लेगा। अब ये जो ये पार्ट अपर पार्ट है वो बैक में चला जाता है। दिस इज लुकिंग नाइस बिकॉज़ यू डोंट नीड लेस एंड ऑल दैट, अंडरस्टूड? हां इट्स अ सेल्फ फैब्रिक। वो चिकनकारी दिखाओ भैया, वो लेमन येलो, बिकॉज दिस ना दीज कलर्स लुक वेरी लाइक ऑन माय स्किन टोन, दे लुक वेरी मडी, दे मेक मी लुक मडी। बट ये मुझे पैटर्न नहीं अच्छा लगा, ये येलो मेरे पे अच्छा लगता है। लाइक सी ऑन माय स्किन टोन दिस येलो लुक्स बेटर। दिस इज माय फेवरेट शेड ऑफ येलो।
बट ऑल बिकम्स लाइक दिस ओनली ना यार, सेम सेम ही हो जाता है ना फिर. बट दैट्स बिकॉज़ आई लाइक इट. सी दिस इज आल्सो नाइस. या दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी. दिस इज द बेस्ट ऑल ओवर. ऑल ओवर दिस इज वेरी गुड. यू हैवंट मेड आल्सो दिस बिकॉज़ दिस इज वेरी अम्मा स्टाइल. व्हाट अम्मा स्टाइल? या मम्मी ऐसे दादी पहनते हैं ये चिकनकारी जैसे. भैया देखो, भैया भी हंस रहे, उनको भी मालूम है. You haven't made for a reason. मैं आपके बात पे और कुछ नहीं. ये दे. ये थोड़ा ग्रीनिश है. इसके लिए ले लो. पर यही ले लो ना टॉप और पैंट. कियारा ने भी दोनों में सेम ही पहनी है. इट्स द सेम मटेरियल दैट शी स्टिच्ड डिफरेंटली फॉर टॉप एंड पैंट. जैकेट के लिए फिर वो ले लो ब्लू मस्त. पर ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. या तो टॉप तुम प्लेन ले लो. हाँ. ये फुल ले लो. हाँ. और फिर इस पे जैकेट ये ले लो तो थोड़ा हटके अच्छा लगेगा. दिस इज अगेन लाइक दादी. डोंट यू थिंक दादी हैज सलवार सूट्स व्हिच लिटरली लुक लाइक दिस. ये भी अच्छा लगेगा. इसमें व्हाइट है. मिलेगा. दिखाओ व्हाइट. ये पिस्ता ग्रीन है. ये सेम चीज में जो हमको ब्लू अच्छा ब्लू मतलब इट्स गिविंग अ वाइब्रेंट पॉप. दिस इज पिस्ता ग्रीन लुक्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाइट. कैन ट्राई व्हाइट. व्हाइट एंड येलो इज द एवरग्रीन कॉम्बो. ये डल लग रहा है भैया. ब्लू दो. ब्लू लगाओ. दिस इज लुकिंग बेटर. दिस विल नीड लाइनिंग. या ऑफ कोर्स. हाउ अबाउट इफ वी डू अ टॉप ऑफ दिस एंड अ स्पैंस ऑफ दिस. या दैट विल आल्सो अ जैकेट. या जाओ जाओ प्लीज. बट देन दिस टॉप विल बी टू मच. नो नो देन इट विल बी फाइन. नो इट विल लुक गुड. Completely detouring from our original plan of action, but I think this color combination looks fab. Don't have to do the old school yellow for haldi. Can do haldi with a twist. Iske pants, iska top, and no jacket. Okay. Hai na? Theek hai. 4698. Final. Pant isse banane ki hai, aur iska top banane ka hai, aur jacket nahi hai. Jacket minus kar diya humne. क्या करे. कली वाला बनाए. कली वाला नहीं, घेरा पैंट, भरारा पैंट. भरारा पैंट ही बनाएंगे लेकिन कली वाला बनाए. मतलब यहाँ से वो बता ना पैंट. आपको फोटो भेजा ना मैंने. अम्ब्रेला काटा हुआ है पीस. हाँ बराबर. ठीक है लेकिन इसमें अम्ब्रेला कटेगा नहीं. क्यों? क्योंकि अगर हम अम्ब्रेला काटने जाएंगे और अगर अम्ब्रेला काटे तो ऐसा लगेगा. हाँ. यहाँ देखो प्लेन आ रहा है. हाँ. यहाँ तो वर्क आ रहा है. यहाँ पे कुछ नहीं. तो फिर कैसे वो उसे वर्क नीचे लेंगे. या तो फिर हाई वेस्ट. हाँ इधर प्लीट मार. हाई वेस्ट पैंट है और ऊपर तक टाइट है. प्लीट मार के मतलब गैदरिंग आता ना गरारे में. आप देखिए हाँ नीचे यहाँ से फिर वो चुन लेके ना मतलब यहाँ से सीधा ले लेंगे. हाँ और फिर यहाँ से पूरा गैदर्स में वो ले लेंगे. अच्छा शरारा पैंट के जैसा एकदम डीप नेक. हाँ थ्री फोर्थ लेगा यहाँ तक ना और फिर यहाँ से पूरा like a skirt it will come. तो इसका शो भी रहेगा. The pant will be like this. मैम कली में बना देते हैं इसको. वो क्या होता है? कली में चलेगा. दिखाओ ना मेरे को थोड़ा. ये सब तुम्हारी लैंग्वेज समझती है. आप सब फोटो से दिखाओ. वो नहीं करेंगे ऐसा. गैदरिंग नहीं करते ऐसा. नहीं ये तो गैदरिंग. ये ऐसा बोल रहे हो. ये देखो ये ऐसा बोल रहे हो. ये कली वाला. ये बॉक्स प्लेट है. तो बॉक्स प्लेट है ना ये बेटर है ना. ये जैसा टॉप है ना देखो वैसा ही चाहिए. बट मतलब इतना डीप आना चाहिए और मतलब ये देखो कैसा वी में जा रहा है. अपन नीचे लेंगे थोड़ा बट थोड़ा वी में जा रहा है. देखो ग्रीन का भी ऐसी सिलाने का था. तुमने एकदम स्ट्रेट कट दे दिए. ये स्ट्रेट नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है ना. ये जितना गैपिंग दिख रहा है इससे थोड़ा सा ज्यादा. बट ये ऐसा होना चाहिए. नहीं पीछे फुल रखेंगे. पीछे फुल रखेंगे ना. सामने बैठेगा नहीं वो. क्यों नहीं बैठेगा? बैठेगा जो सपोर्ट देगा. पीछे भी डिप करूंगा. होल्ड करेगा क्या? होल्ड करेगा. पकड़ेगा. हाँ पकड़ेगा. डोरी भी रहेगी ना. वापस वो डोरी का ही. डोरी करना. डोरी नहीं करना इसलिए पैक रखो. डोरी नहीं दो. ब्लाउज का फिट उसने मस्त दिया. उसमें पीछे से नेक काटा है बट पैंट्स बहुत ढीली है.
बहुत ज्यादा ही ढीली है. मतलब आई वॉन्ट टू वेयर द पैंट्स इधर बिकॉज दिस इज लाइक द गुड पोर्शन ऑफ माई बॉडी दैट आई वॉन्ट टू एक्सेंचुएट. तो मुझे तो पैंट्स इधर पहनने हैं तो उसको इतना, और ये भी घेरा घेरा बहुत लूज लूज हो गया है. क्या लगता है क्या मिसिंग है? दुपट्टा लूं? जैकेट ही लेने का था मेरे को इस पे, बट जैकेट मेरे को कलर नहीं समझ रहा. मैंने श्योर जैकेट लूं, बट इट शुड बी लाइक फुल लेंथ और इट शुड बी फुल लेंथ पैंट्स तक, और शुड आई डू लाइक अ दुपट्टा एंड अ बेल्ट? यू कैन डू अ जैकेट एंड अ बेल्ट बट नॉट नो दुपट्टा. So which color should it be? It should be sheer, not opaque. Pakka? So the look of the dress comes. Need a jacket to complete this. Kal pehenne ka hai ko. Awesome. Day 3. Hey guys, good morning. It's a new day. Aaj haldi hai aur mera outfit humne kal try kiya tha. Aisa lag raha hai ki kuch is like incomplete, kuch is incomplete, something is incomplete in the outfit and I just don't feel like it's enough. Like of course the colors are going well and the last time I went to Charbangla Ellie Perry for the fabric, to udhar maine har ek fabric try kiya tha ki kaun sa fabric acha lagega dupatte mein ya jacket mein ya kuch, but kuch bhi nahi baith raha tha wo yellow aur blue ke sath. Now both the colors are standing out really well, but I feel like I need a dupatta and a belt sort of to just tie the look together. Jacket will not do anymore. I don't think the jacket is going to be flattering, plus I don't know kya length pe वो जैकेट को ऐड करना है. अगर पूरा मोनोक्रोम होता ना, लाइक पूरा येलो आउटफिट, तो जैकेट अच्छा लगता है, या पूरा ब्लू. बट अब ये दो कलर्स ऑलरेडी हो गए, तो एक दुपट्टा एंड बेल्ट टू ब्रेक द कलर कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द टू कलर्स. वी हैव कम टू ग्लांस वेयर आई यूजुअली ऑलवेज गेट फैब्रिक फ्रॉम, तो आई एम होपिंग कि समथिंग फ्लोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यू नो वो वाला, मैं एक फ्रिली वाला सा दुपट्टा है, तो मैं सबरीना को लेके आई हूँ अभी सुबह सुबह उठ के. आज ही हल्दी है अभी, होपफुल मेरी पैंट्स भी बहुत लूज है तो फिटिंग भी करवा के लेना है. अभी मेरे टेलर के हाथ में सब कुछ. यस यू विल गेट इट होपफुली. चलो भाई अभी ग्लांस ही हमारी नैया बचा सकता है. जितना क्लोज ये कलर से दुपट्टा मिलेगा ना अच्छा, तो बीच वाला. हाँ हाँ absolutely. So this is the organza we are taking. इधर से ही ले लेंगे ना. तुम मेरे को बेस्ट प्राइस दे रहे हो 195. नहीं उससे भी बेस्ट प्राइस, एकदम बेस्ट प्राइस. अरे यार बराबर बोलो ना, खाली फिर मेरे को चार बंगला जाके लेना पड़ेगा. बराबर पर ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये चीज भी बता देता हूँ. क्वालिटी भी तो आती है ना सर. ऑर्गेन्जा में मन फ्रिल वाला दुपट्टा बिठाएंगे ये कलर में डाई करके. कितने बज रहे सबरीना? 11:30. 3 बजे तक अपना खत्म होना चाहिए. Yes, 3.5 hours to do dye this and make a frill dupatta for this outfit. Do you think we should take this one? This is 1,250 rupees per meter. 1,050. It's not sure. Worth it at all. 6 meters he told me. ठीक है इसका 6 meter काटो फटाफट. But we've taken a white organza because I called my tailor from there and he was like ताबड़तोप उसको dye करके मिलेगा because of course tailors have contacts. So he said वो frill वाला dupatta ही अच्छा लगेगा, उससे get up आएगा and उसके लिए he will dye the fabric, the white dyeable fabric organza that I've taken 6 meter kapda for that frill wala dupatta. So frill usko silai mein bithana padega. Ab us pe hai wo kitna fast mujhe kaam karke dete hai. Vaise he is very efficient, but he has the pants also ka fitting to do. So that and the kapda, the dupatta needs to be made. And then maine usko bola hai wo do pant ke color mein dye kar rahe the dupatte ko, aur टॉप का जो कलर है उसका एक बेल्ट बनाने के लिए. सो देन आई कैन सिंच इट एंड ड्रेप इट. वंस आई फाइनली ड्रेप इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इन माय हेड एग्जैक्टली. बट इफ दैट कम्स टू लाइफ देन इट विल लाइक लुक कंप्लीट एंड लुक लाइक एन आउटफिट ऑल टुगेदर. करंटली इट्स जस्ट लुकिंग लाइक टॉप एंड पैंट्स, इट्स लुकिंग वेरी वेस्टर्न. आई नीड टू गिव इट दैट लिटिल इंडियन टच इफ यू नो व्हाट आई मीन. तो ऐसा क्या देख रही है मास्क पहन के विथ योर रेड हेयर ब्लू मास्क लुकिंग लाइक एंड सो ऑन. हम दोनों की आंखें थी सूजी सूजी. बिकॉज़ हम लोग रात को मुझे 3 बजे तक सोने नहीं दिए एंड माय सन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू ऑल हैव बीन स्लीपिंग. इतना आवाज कर रही थी ना दरवाजों का. नहीं बट मैं उठी थी सुबह, ईशान नहीं उठा था. जस्ट शट अप आई गॉट अप एंड आई वेंट. आई जस्ट गॉट अप आई टुक हिम एंड आई वेंट. हां वो दरवाजे का आवाज तेरा ही था तो मेरी नींद तूने खराब कर दी सबरीना. Sara,
इसमें डबल लेयर, हाँ ये सिंगल लेयर का बना है, डबल लेयर रहेगा तो ठीक है। और आगे की साइड एक लेस डालोगे? नहीं फ्रंट में। नो नो व्हाई वी वांट लेस, दिस इज अ सेल्फ बीडेड थिंग ना, एंड देन बेल्ट बनेगा इधर सिंच करने के लिए। हाँ दिस बेल्ट, ये अच्छा ये लेस, ये पूरे आउटफिट में मैंने लेस नहीं लगाई हूँ, अगर वो लग हाँ। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ रफल है, ये प्लीट चाहिए, क्या अच्छा लगेगा तुमने देखे ना, रखो ज्यादा बेटर दिखेगा, प्लीट नहीं, दोनों ही अच्छा दिखेगा मेरे ख्याल से। ये प्लीट ज्यादा प्लीट है, रफल भी अच्छा दिखेगा। ठीक है तुमको जो भी रफली बिठाओ, अभी अपने पास टाइम नहीं है इतना सोचने, बट तुमने जो बताया वो बहुत बड़े बड़े रखो, उससे थोड़ा हाँ उससे थोड़ा छोटा, मतलब उसका गर्थ थोड़ा छोटा रखो, फिर ऐसे सेम बना दो। ऐसा बनाओगे ना तो मेरे को खाली ये है कि ये अपने नीचे घरारे के साथ क्लैश करेगा, फिर बहुत फ्लेयर फ्लेयर हो जाएगा, रफल में ज्यादा फ्लेयर दिखेगा, नहीं रफल में ज्यादा स्पेस्ड आउट दिखेगा, हाँ स्पेस्ड आउट दिखेगा तो वो अच्छा। फिर अपन बेल्ट के साथ सिंच करेंगे उसको कमर पे, मेरे को तुम येलो का एक बेल्ट दो, बेल्ट जैसा सफेद आउटफिट में दिया था ना पहला वाला पीछे हुक लगा के, वैसा तुम माप ले लो बेल्ट के लिए भी मेरा, और पैंट की फिटिंग अभी परफेक्ट होनी चाहिए। आजर 3 बजे मेरे को वहां पहुंचने का है, तुम ऐसा काम करो इसको इसमें डाई करना है, पीले में नहीं, ये कलर में, ये कलर में डाई करना है। हाँ हाँ यही कलर डाई कर रहा हूँ। A few inches later. बराबर नहीं आया तो अभी मैं क्या पहनूंगी? मुझे बोलना मैं तुरमाला से गाउन लगा दे। नहीं गाउन नहीं चाहिए, भी यही चलना चाहिए। तो कल फिर मैं लहंगा बनवा लेती हूँ। ठीक है चलो चलो भैया, थैंक यू। चलो गाइज अभी आ गया है, अभी घर जाके फाइनल फिट, एंड रियली होप इट वर्क्स। एक्सक्यूज माय रियली डर्टी मिरर, बट आई एम कम्प्लीटली ड्रेस्ड, आई हैव माय ब्लाउज एंड माय पैंट्स गोइंग ऑन, द पैंट्स का फिट इज नाउ परफेक्ट, आई लव द फ्लेयर एंड द घेरा दैट द पैंट्स हैव, बट ऑफ कोर्स द आउटफिट डज लुक वेरी वेस्टर्न एंड अ लिटिल इनकम्प्लीट, तो वी हैव दिस ओल्ड दुपट्टा मूवमेंट गोइंग ऑन। अब मैं इसको ड्रेप करके देखने वाली हूँ कि ये मुझे कैसे बैठाना है। दिस टाइम अराउंड द आउटफिट वॉज नॉट रियली इंस्पायर्ड बाय a certain image, or I have like mixed matched a lot of the designs that I had going on. I need to figure this out myself. ये है मेरा flare वाला dupatta which I want to complete this fit, and it of course adds a lot of drama to the very subtle outfit that I had going on. We have the yellow belt from the kurta, so now I'm gonna see how I wanna fit this. Another outfit from scratch video comes to an end. I can't believe we managed to pull this one off because it was so last minute and so many things were going wrong. Of course, within 48 hours, we managed to pull this off. Huge props to my tailor. He always comes through. And this one's such a unique fit. It's something I've never done before, right from the dupatta to the entire detailing of the outfit with the belt and the pants and everything. I think it looks bomb and it is definitely an eye-catcher piece. It's western. It's very poolside and day function. Although, abhi raat hone wali hai. शाम होने वाली है 6 बजे, I'm running late, so I'm gonna rush to the haldi. I really hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to give it a big thumbs up. 4 days with us, our squad shout out goes to Eshvi Katre. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sara Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And you get a chance to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah. Nana, what did you think of my outfit? Yeah, nice. Very nice. 1 out of 10, how much? Huh? If you have to give 1 out of 10, how much you'll give? Mama? 10 out of 10. 9 only? What, Nana Kanjus? Here, you don't have to give money, only marks.